60 साल से सबको जिता रहे, अब हम जीतेंगे इंशाल्लाह, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी की आवाज उठाए। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, अब हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे, संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का के 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर 70% मुसलमानों ने BSP और सपा को वोट दिया, और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने BJP को वोट दिया। ये मैंने कहा है, हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे कल मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, तो फिर RSS व इनकी BJP या हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है? ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही मुसलमानों का वोट फिर इनको अपनी सरकार में तबाह व बर्बाद करने के मामले में भी सपा व कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। खासकर पश्चिमी यूपी का मेरठ मलियाना कांड व मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ के मुस्लिम लोगों को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए। ये भी मेरी उनसे खास अपील है।